अच्छे शागिर्द बनते तो और खुशी है। एनीवेज आप बहुत इंग्लिश में बात कर रहे हो, हिंदी में बात करते हैं और सीधा डांस की बात करते हैं। कथक का परफॉर्मेंस है यहाँ, आई एम श्योर आप लोग कथक के बारे में जानते हैं। जानते हैं, सुना है, देखा है, किया है, कितने लोगों ने किया है? हाँ, एक दो, एक लड़का दिखा वो चश्मे में और एक वो लड़की दिखी। आपने किया है डांस थोड़ा बहुत? अच्छा, चलिए, सुना तो है कथक के बारे में। कथक का मतलब मैं आपको बता दूँ एक छोटी सी स्टोरी ब्रीफ में कि कथक का मतलब है कथा, स्टोरी, और हम कथक डांसर्स कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। मंदिरों के टाइम में कथा शुरू हुआ कथावाचक के रूप में, जिसमें पौराणिक कथाओं पर कथाएं कहते थे, रामायण पर, महाभारत पर। दौर बदलते बदलते आज का दौर है जहाँ रिदम की कथा कहते हैं। तो इसीलिए मैं पहले आपको, क्योंकि ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, ये कॉन्सर्ट नहीं है, ये लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन है। कथक का जो पहला हम शुरू करते हैं उसको कहते हैं विलंबित लय। विलंबित लय इज द स्लोएस्ट लय फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट आर यू नो एनी कॉम्पोजिशन। जैसे कि दिल की धड़कन होती है ना, कैसे रिदम, लोग कहते हैं कि रिदम सिर्फ आर्टिस्ट लोग ही जानते हैं क्योंकि वो कथक डांसर है, म्यूजिशियन है, इसलिए उनको ही पता है। ऐसा कुछ नहीं है, रिदम तो सबके अंदर है। आप लोग कथक नहीं करते, म्यूजिक नहीं करते तो आपके अंदर रिदम नहीं है। रिदम नहीं होता तो यहाँ बैठे भी नहीं होते। रिदम है इसीलिए बैठे हैं, सांस ले रहे हैं। और वो रिदम क्या है? धक धक धनिया ले लो, तो क्या है धनिया, धनिया, ए दो तीन, चार, पांच,